टीकमगढ़ में मनचलों की छेड़छाड़ से परेशान नाबालिग छात्रा डिप्रेशन में चली गई। डिप्रेशन के चलते छात्रा का अस्पताल में इलाज जारी है। परिजनों का आरोप है कि कुछ मुस्लिम लड़के कोचिंग से घर आने पर लड़की का पीछा करते थे और उसको परेशान करते थे, जिसके चलते वो डिप्रेशन में चली गई। मामला टीकमगढ़ मोटे मोहल्ले का है, जहाँ करीब 6 महीने से कुछ लड़के एक नाबालिग छात्रा को परेशान कर रहे थे। बच्ची परेशान होकर डिप्रेशन में चली गई। बच्ची को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ उसका इलाज जारी है। बच्ची के परिजनों का आरोप है कि बच्ची कोचिंग से घर लौट रही थी, तभी सोहेल खान, नुमान खान और मुन्ना के साथ एक अन्य ने बच्ची का पीछा किया, जिससे वह बुरी तरह से डर गई और वह डिप्रेशन में चली गई, जिसके चलते उसकी हालत खराब हुई है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कोतवाली थाना प्रभारी मनीष कुमार ने आरोपियों पर जल्द कार्रवाई की बात कही है। हमारी बच्ची कोचिंग जाती थी जी, कोचिंग पढ़ने गई, उसके बाद लौट के आ रही थी। चार लड़के, अब साहिल खान, अमान खान, मुन्ना खान और एक और है, चार लोग आए, उनके पीछा किया। पीछे करने के बाद वो अब डर गई लड़की, बच्ची हमारी डरने के बाद वो अपनी सहेली के यहाँ गई। सहेली के यहाँ पर ताला लगा हुआ था जी, जी। वो अपने घर को आ रही थी, बीच में उन लोगों ने रोका, बाइक की चाबी निकाली। बाइक की चाबी निकालने के बाद उन लोगों ने अभद्रता की उसके साथ जी। गलत किया उसने, गलत गाली गलौज की और उनसे कहने लगी कि मैं चेन वगैरह चुराई उसकी। कहने लगी कि हम ये हमारा प्यार है, मैं इसको नहीं लूँगा। और डिमांड कर रहे थे वो लोग पैसे की, 10,000 रुपये की डिमांड वगैरह कर रहे थे मेरी बच्ची के साथ कि अगर 10,000 रुपये नहीं देंगे तो हम सब जगह हिंदा कर देंगे। एक बच्ची के संबंध में परिजनों द्वारा सूचना मिली थी कि बच्ची कुछ तनाव में है और अभी हॉस्पिटल में है, और कुछ बच्चे उसको काफ़ी समय से परेशान कर रहे हैं लड़के। तो उस संबंध में मैं और महिला TI मैडम दोनों ही यहाँ पे आए हुए हैं, जांच पड़ताल की जा रही है। और बच्चे के साथ जो भी लोगों ने किसी प्रकार की परेशानी की होगी तो जो भी विधि सम्मत कार्रवाई है वो की जाएगी। अभी वर्तमान में महिलाओं से संबंधित जागरूकता अभियान भी किया जा रहा है, इसके लिए प्रशासन भी सख्त है, इसमें सख्त से सख्त कदम उठाए जाएंगे। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण, हम करते हैं सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।